प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर जहां एक ओर सरकार की नाकामी साफ झलक रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को सुझाव पर सुझाव दे रही है। एक ऐसा ही सुझाव कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को दिया था, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर लिया है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर बीजेपी की नाकामी जग जाहिर है। सड़कों पर पैदल चलते मजदूर बीजेपी सरकार की रणनीति में खामियों को बखूबी उजागर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच यूपी में प्रियंका गांधी की सक्रियता वाकई काबिले तारीफ है। प्रियंका गांधी लगातार एक के बाद एक सुझाव योगी सरकार को दे चुकी हैं, जिनमें से कई सुझावों पर योगी सरकार ने अमल भी किया है। प्रवासी कामगारों के मुद्दे पर जब सरकार विफल होती दिखी, तो प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को 1000 बसें चलाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब यूपी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने प्रियंका गांधी के निजी सचिव को चिट्ठी लिखी है और 1000 बसों के नंबर और उनके ड्राइवरों की लिस्ट मांगी है। खबर सामने आते ही यूपी कांग्रेस ने योगी सरकार को आड़े हाथ हो लिया है। योगी जी अभी तक झूठ से काम चला रहे थे, कह रहे थे हमने 3 दिन से सूची मांगी है बसों की। खैर, हम तो बस लेकर खड़े थे। यूपी की जनता का धन्यवाद कि आपने दबाव बनाकर इस सेवा कार्य में अड़चन डालने वाले सीएम को सही फैसला लेने पर मजबूर किया। श्रमिक भाई बहनों को राहत मिलनी जरूरी थी। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार से परमिशन मिलने पर खुशी जताई और साथ ही इस मुश्किल घड़ी में लोगों की जिंदगी को बचाना सबसे अहम बताया। योगी आदित्यनाथ जी मुसीबत के समय इंसान की जिंदगी बचाना, गरीबों की रक्षा करना, उनकी गरिमा की हिफाजत करना हमारा नैतिक दायित्व और अधिकार है। कांग्रेस इस कठिन समय में अपनी पूरी क्षमता और सेवाव्रत के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ये बसें हमारी सेवा का विस्तार हैं। हमें उत्तर प्रदेश में पैदल चलते हुए हजारों भाई बहनों की मदद करने के लिए कांग्रेस के खर्चे पर 1000 बसों को चलवाने की इजाजत देने के लिए आपको धन्यवाद। मुसीबत के वक्त सत्ता पक्ष को सहयोग करके कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि मौजूदा वक्त राजनीति करने से ज्यादा मौजूदा मुसीबत के खिलाफ एकजुट होने का है। उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस की इस पहल से सियासी गलियारों में एक अच्छा संकेत जाएगा। DB Live की रिपोर्ट।